हाँ भाई, क्या हाल है भाई साहब? पूरी एनर्जी में है क्योंकि रिज पी रहे हैं। मैंने भी रिज पीनी है तो अभी उतनी एनर्जी नहीं है, बट फिर भी इतनी एनर्जी है कि हम ऑल सेट है आज के फाइनल के लिए। और भाई देखो, लखनऊ को हमने प्रैक्टिस मैच भी बहुत बुरी तरह हराया था। लास्ट मैच अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, तो अभी चल रहा है 1-1। तो अब हमारी बारी है जीतने की और कप उठाने की ईसीएल के पहले सीजन की। क्यों? बिल्कुल उठा लेंगे। और रिव्य पूरे जोश में है, लगता है आज किसी एक आदो को पीट पाट के आ जाएंगे। वैसे भी हमारी टीम थोड़ी से आज पंगा नहीं भाई, आज तगड़े, पंगे नहीं। तगड़े लोगों वाली टीम है। अनुराग भाई थोड़े से हमारे थोड़े मतलब कम प्रोटीन पीते हैं, हमारी टीम ज़्यादा प्रोटीन पीती है। थोड़ा प्रोटीन का फर्क भी है। और बट अनुराग में दिमाग बहुत ज़्यादा है यार, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। और यार मैंने पहले ही बोला था कि ECL से पहले मैं जानता नहीं था अनुराग को, बट अनुराग बहुत अच्छा बंदा है, दिल का भी बहुत अच्छा बंदा है और दिमाग से भी बहुत शार्प है। सो आई फील बहुत ही टक्कर का मुकाबला होने वाला है, और मुकाबले को देखने में तभी मज़ा आता है जब वो टक्कर का हो। अरे खेलने तो उनको दिमाग से यार, हम दिल से खेल के जीत जाएंगे, क्या हो गया? क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो आर्मी है ना, वो इतना सपोर्ट कर रही है हमें सोशल मीडिया पे भी, कि हमें ना इतना मज़ा आ रहा है, हम पूरे एक परिवार की तरह खेल रहे हैं। और जहाँ पे फिर एलविश आर्मी आ जाती है तो भाईचारा ऑन टॉप। और पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो पापा खड़े हैं, घुमा ले उधर कैमरा भाई पे। तो आज हम जीतने वाले पूरी पूरी टीम, और भाई उठाएंगे ट्रॉफी। भाई भाई नहीं, सारे भाई उठाएंगे ट्रॉफी आज। हरियाणवी हंटर्स फॉर द विन, पूरी ताकत लगा देंगे। और बाकी बंदे कहाँ है भाई? बाकी बंदे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। भाई रिस ले, रिस ये लो, ये लो, जल्दी लेके आओ, जल्दी। रिस के लिए सबसे पहले बंदे रेडी, और invin.com भी है भाई, ये लो। और हमारे ये भी सिस्टम क्लोथिंग भी है, फ्यूजन कार्स वाले भाई सब है भाई हमारे साथ में। मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं, हम रात को सोते हैं तो रिस के साथ सोते हैं। आज फुल फैमिली सपोर्ट करने आ रही है, हम रिस के साथ सोते हैं, रिस के साथ नहाते हैं, कुछ भी करते हैं रिस के साथ। एक दिन तो रिस के ऊपर से हटाया मैंने इसे, मैंने कि भाई क्योंकि इनको बैठना था। मैं ऐसा ही हूँ, मैं लक्ष्य के ऊपर बैठना था इसलिए लक्ष्य को हटाया मैंने। चलो भाई टीम आ जाने दो, उसके बाद करते हैं आगे की कम्युनिकेशन। गाइस आई एम विद द टीम हरियाणवी हंटर्स। एक बार गेट पे देखिए भाई कौन है, एकदम से मोमेंटम तोड़ देते हैं, टीम का जोश इतना आ रहा था। भाई टीम आ चुकी है एक्सेप्ट एनडी भाई, आज हमारी टीम में कुछ चेंजेस हैं तो मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लस चार पाँच चीज़ें और मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से। पहले तो ये जो मैं हर बार पूछता हूँ कि जीत के टॉस हमें क्या चूज करना है, बैटिंग और बॉलिंग? मैं तो कहता हूँ आज बॉलिंग करूँ। हैं? बॉलिंग बैटिंग रोहित भाई की बिल्कुल सही है कि हमारी टीम में बैट्समैन है, छक्के मारने वाले, बट मेरा ये मानना है, सुनना, मेरा ये मानना है कि प्रेशर हो जाता है, ये फाइनल्स है, ये प्रेशर हम पे है, तो मान लो उन पे हमसे ज्यादा होगा, होना भी चाहिए हमसे ज्यादा, तो उस प्रेशर में लपेटना उनको। ऑल दो लखनऊ की चेजिंग मैंने देखी, इन्होंने दो मैचेस में चार चार पांच पांच ओवर में चेज कर रखे हैं, 120 130 ऐसे कुछ चेज करा था इन्होंने। बट आज हमारी बॉलिंग लाइन भी थोड़ी सी चेंज है, माही भाई इंजर्ड है और अंश अंदर आया है। अनुराग जो भी आएगा वो प्लान बना के आएगा। हाँ, अनुराग प्लानिंग के साथ चेज कर रहे होंगे ना, वो लोग 180 भी तो सोचेंगे कि वो मेरे पे दो बार आउट हो चुका है, वो सोचेगा कि रोहित के दो ओवर में खेल के निकाल देता हूं, ऐसा मान ले सोचे, वो कर सकता है कि नहीं? तो हमें भी उसको आउट करने की उसी तरह से प्लानिंग करनी है अपने, जो और बाकी बॉलर्स हैं भाई। आप अगर वो मेरे से विकेट नहीं, मेरे ओवर में विकेट नहीं जाता है, तो उसको कैसे आउट करना है? क्योंकि वो आउट हो गया तो आधा गेम हम जीत जाएंगे। कोशिश करेगा। बैटिंग करा जा सकता है, क्योंकि देखो आइडियली इट शुड बी चेजिंग फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल के देखते हुए अगर हम चेज करके भगवान ना करे हार गए तो हमारे दिन में आएगा यार हमें बैटिंग ही करनी चाहिए थी, हमारा जब सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो इस चीज पे तो किसी का बस ही नहीं चल रहा भाई कि ये तो वही हो जाएगा। मान लो बैटिंग ले ली तो ये सोचे यार काश बॉलिंग ले लेते, बॉलिंग में हार गए तो सोचते यार बैटिंग, तो अपने को जीतना है, तो प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर। बैटिंग पे अभी कॉन्फिडेंस है, कल का जिसने हमने 185 मारे तो हमें पता है कि हमने पहली बार बैटिंग करी, 200-225 रन मारने हैं, मारने ही पड़ेंगे भाई। तो सारी पुरानी चीजें भूल जाओ, फोकस ये करो, जो जीतने वाली टीम को मिल रहा है 50 लाख रुपए, ये सोचो, ये ना कोई ECL है ना कुछ है, 50 लाख रुपए जीतने हैं अपनी टीम को, मोटिवेशन है फाइनेंशियल इसमें भाई। नहीं भाई हमारे लिए तो फाइनेंशियल
कप और हमारी इज्जत हरियाणा विंटर्स की। अच्छा मतलब 50 लाख तो फिर भी मिलेंगे जीतने पे। अरे तो विनय भाई को देंगे नहीं ना, छोड़ देंगे। चलो विनय भाई का, विनय भाई को कुछ नहीं देंगे, आपस में बांट लेंगे भाई, आपस में बांट लेंगे भाई। और कोई है क्या जो पैसे नहीं चाहिए इसको? अरे ट्रिप पे भी तो जाना है भाई, इंटरनेशनल ट्रिप है अपनी साइड से हरियाणा विंटर्स टीम को जीतने के। चलता रहेगा, अभी चल रहे हैं बस में और आज जीतने की प्लानिंग करते हैं। बढ़िया एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू भाई। चलो एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। लेट्स विन इट बॉयज, हरियाणवी अंटर्स ऑन टॉप। हमारा बैटिंग करने का मन है। कशिश को निराशा है विकेट ना लेने के, ऑल आउट कर सकते थे यहाँ पे लखनऊ लायंस को। इस पारी की पहली गेंद 132 का टारगेट। एलविश ने एलनाबाद हरियाणा में गेंद फूटे मारी है भाई। इस बार एलविश के मतलब बैठे हैं, ये लीजिए एक और सिक्स है और बाहर कैच भी हुआ है, पांचवा छक्का एलविश के बल्ले से। फील्डर है नीचे, एल्विश बाहर जाएंगे। आज तक जो हम क्रिकेट देखते थे वो इसी बीच बहुत ही अच्छा शॉट अनुज का, 6 रन।
तो भाई कल क्या बोला था आपको? बोला था ना कप हमारा, हमारे बाप दादा को। भाई जीत गए ट्रॉफी, ECL की पहली ट्रॉफी, एल्विश यादव के नाम। भाई कैसा लग रहा है जीत कर, कैसा लग रहा है बताओ भाई? बस बिलीव नहीं हो रहा, अब सुबह पता नहीं कैसा लगेगा, सुबह देखते हैं। ब्रदर्स कैसा लग रहा है भाई जीत के? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, मतलब क्या फीलिंग है, कांट एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, बोला था ना चैंपियनशिप हम ही लेके जाएंगे, अगला सीजन भी लेके जाएंगे भाई, पहले बता दिए। गुंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को, बताओ कैसा लग रहा भाई? माहौल बना दिया, पूरी टीम ने बहुत जोर लगाया, बहुत मदद। बताओ जीत जीत हरियाणवी एंटर ऑन टॉप, चैंपियन चैंपियन। क्या ही बोलूं, वी आर द चैंपियंस, वी आर हरियाणवी हंटर्स। Who are we? हरियाणवी हंटर्स। हरियाणा का बुमराह। We did it guys, we fucking did it, ट्रॉफी गुड़गांव आ चुकी है। चलो क्या कहा था, जहां मीटर बड़ा होता है वहां लंबा खड़ा होता है, ट्रॉफी अपनी है, ट्रॉफी किसकी है? ओए हेलो जी, भाई साहब ये होती है जीत, ECL का पहला सीजन अपने नाम करते हुए, हरियाणवी हंटर्स फॉर द विन, दैट्स माय टीम विद द ट्रॉफी, बहुत भाई प्राउड मोमेंट हमारे लिए, मैं बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये समझो बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। उधर का सीन दिखाओ भाई, बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, आज हम फाइनली फाइनल्स जीत गए यार, बहुत मेहनत करी, बहुत सारे मैचेस खेले बैक टू बैक, बहुत अच्छा खेले सारे प्लेयर्स, और फाइनली ट्रॉफी हमारे पास है। ले भाई पुच्ची कर दो, पुच्ची कर दो। अरे भाई मैंने ये ट्रॉफी बड़ी मेहनत से जीती है, और सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भी हरियाणा टीम में हूँ, अगली बार से मुझे हरियाणा में लिया जाएगा। हरियाणा की ना वर्दी ये कमोनी पहनती है, ऐसे ही नहीं मिलती। भाई मैं हरियाणा टीम का 21वां प्लेयर हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। 1 2 3 चाहे दिल्ली की टीम बाहर हो गई, लेकिन मैं हरियाणा को सपोर्ट करता रहा स्टार्टिंग से, और अपनी दिल्ली की टीम को भी बोलता रहा कि बेटा तुम्हें हरियाणा की टीम हराएगी, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हरियाणा की टीम जीत सकती है, और कोई भी ट्रॉफी हो, कोई भी ट्रॉफी, जहां पे एल्विश मेरा भाई जाएगा वो ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही आएगी, वो ट्रॉफी कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा दावा है।